राज्यपाल ने बीएसएफ माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज का फ्लैग ऑफ किया। अनुशासन में कार्य दक्षता में बीएसएफ दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन मुहिम के तहत माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज कप का हुआ आयोजन। सोमवार को राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पाल ने रुस्तम जी बीएसएफ माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज कप 2017 का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। पवेलियन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन में कार्य दक्षता में बीएसएफ की गिनती दुनिया की बेहतरीन पैरा मिलिट्री फोर्सेज में की जाती है। अपनी स्थापना के बाद से देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और हम सभी देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। राज्यपाल ने कहा कि सीमाओं की रक्षा के साथ ही बीएसएफ की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले भी सराहनीय है। स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय अभियान क्लीन गंगा सेव गंगा मुहिम के बाद अब स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन मुहिम के तहत माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज कप के आयोजन से सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचेगा। इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन से युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है और उनकी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में होता है। राज्यपाल ने कहा कि केएफ रुस्तम जी देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में रहे हैं। बीएसएफ की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वर्गीय रुस्तम जी की स्मृति में प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राज्यपाल ने बधाई देते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। बीएसएफ के आईजी श्री विकास चंद्र ने बताया कि रुस्तम जी बीएसएफ माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज कप 2017 जो कि स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन मुहिम के साथ आयोजित किया जा रहा है में बीएसएफ की माउंटेन बाइकिंग टीमों के साथ सेना एसएसपी राज्य पुलिस के साथ सिविल माउंटेन बाइकर्स व महिला बाइकर्स प्रतिभाग कर रहे हैं। बाइकर्स स्कूली बच्चों समाज सेवी संस्थाओं स्काउट एवं गाइड्स एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर जनमानस में पर्यावरण की स्वच्छता एवं स्वयं को स्वस्थ रखने का संदेश पहुंचाएंगे। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग डोईवाला के कमांडेंट श्री राजकुमार नेगी ने बताया कि रुस्तम जी बीएसएफ माउंटेन बाइकिंग हिमालयन चैलेंज कप 2017 के दौरान पुरुष सोलो एमटीबी रेस 264 किलोमीटर व महिला सोलो एमटीबी रेस 35 किलोमीटर आयोजित की गई है। पुरुष सोलो रेस के प्रतिभागी 264 किलोमीटर की दूरी 3 दिनों की माउंटेन बाइकिंग करते हुए 13 दिसंबर को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून पहुंचेंगे जहां इसका समापन होगा। इस अवसर पर बीएसएफ के पूर्व डीजी श्री सुभाष जोशी पूर्व आईजी एसएस कोठियाल आदि मौजूद रहे। बहुत ही उत्तम फोर्सेस में गिनी जाती है और पिछले 2 वर्ष तक ये सबसे बड़ी फोर्स थी। अभी सीआरपीएफ आजकल सबसे बड़ी फोर्स है और बीएसएफ का प्रोफेशनलिज्म, बीएसएफ का डिसिप्लिन और बीएसएफ की कार्यशैली, ये सारी इसमें सबको मालूम है कि बीएसएफ किस प्रकार से हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और सबसे उत्तम फोर्सेज में है। पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने ये जो यूथ को एनकरेज करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के पिछले साल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वाइट वाटर राफ्टिंग का, और इस वर्ष एनवायरनमेंट और स्टे हेल्दी का संदेश लेकर के ये जो माउंटेन बाइकिंग रैली की है, ये एक बहुत ही उत्तम इनिशिएटिव है। इसमें पर्यावरण का मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन जो बीएसएफ की फोर्स की अपनी जो उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में भी पब्लिक तक मैसेज पहुंचेगा कि बीएसएफ की फोर्स है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव फोर्सेज को पब्लिक के नज़दीक लाते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी में उसको पर्टिकुलरली उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए समय समय पर लेते रहना चाहिए। और मैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।